रिफाइनरी हम करनाल बाईपास कट कर चुके हैं। ट के एक और राइडर है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। ये मीटियोर 350 हमने परचेस किया लास्ट मंथ। हाउ इज द जोश? हाय, सुपर हाय। BMW वाली, हाउ इज द जोश? या ऐसा लग रहा है हमने छोटी राइड बनाई है और बड़ी राइड बनानी चाहिए थी हमें। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है। लग भी नहीं लगी आज राइड करिए, ये प्यार है बाइकिंग के लिए और हमेशा रहेगा। हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू, दिस इज निशांत चन्ना। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब? आप बहुत टाइम बाद मुझे मोटो व्लॉगिंग करते हुए देख रहे होंगे और जैसा कि टाइटल से आप जान सकते हैं मैं निकला हूँ बीर की तरफ। हम थ्री राइडर्स होंगे अभी फिलहाल, दिल्ली से दो निकले हैं, एक राइडर जो है हमें मेरठ से आ रहे हैं और वो करनाल में हमें मिलेंगे। एंड जा रहे हैं हम बीर, जो कि स्पॉट फेमस है पैराग्लाइडिंग के लिए। अब ऑब्वियसली वहाँ जा रहे हैं राइड करके इतनी दूर, तो हम भी पैराग्लाइडिंग करके आएंगे, तो ढेर सारा मज़ा आने वाला है दोस्तों और ढेर सारी बातें करेंगे इस ब्लॉग में आगे। अभी इस जाम को पास करके मिलते हैं दोस्तों। तो फाइनली हम करनाल बाईपास कट कर चुके हैं और बाय बाय करते हैं ये कूड़े के पहाड़ों को। आगे मैप में चेक किया, काफ़ी जाम है बिकॉज हम थ्री कार्स में निकले हैं, देर हो गई काफ़ी निकलते निकलते। मैं ब्लॉग की अच्छे से स्टार्टिंग भी नहीं कर पाया अभी तक। मेरी वीडियो नहीं आ पाती बिकॉज कैमरा मैं ही लगा के चलता हूँ, बाकी जो मेरे साथ राइडर होते हैं उनकी सारी सबकी ही वीडियो आती रहती है। तो यार बहुत जाम है दिल्ली बॉर्डर पे, बड़े मुश्किल से अभी क्रॉस करके आया दिल्ली बॉर्डर। अभी हाईवे टच की है सोनीपत की तरफ बढ़ते हुए हम आगे मूर्थल पहुँचने वाले हैं। हम पहुँच चुके हैं मूर्थल दोस्तों, ये सारे ढाबे आ गए हमारे। अब हम पहुंचेंगे अमृतसर देव की तरफ। हमारा फर्स्ट रोज आ गया बाइक वालों के लिए, नो टोल। ये तो फायदा है बाइक से आने का, आपकी टोल की जो कॉस्ट होती है वो बहुत बचती है। बाकी कई एक्सप्रेस वे वगैरह पे टोल लगता भी है बाइक का, अभी अपना एक्सप्रेस वे पे टोल लगता है बाइक का भी। हेलो, हम पानीपत है, पानीपत क्रॉस किया है। यहाँ से होगा 40 किलोमीटर। आप कहाँ पे हो अभी? नहीं, आप कहाँ पे? करनाल कितनी दूर है अभी करनाल? अच्छा, तो हमारा तो हाईवे खुला पड़ा है हमारा, तो हम तो पहुंच जाएंगे फटाफट आधे घंटे में। सो दोस्तों हमने यहाँ पे कुरुक्षेत्र में स्टॉप लिया है चाय पीने के लिए, और जैसा कि दिल्ली से मैं और मेरे ब्रदर निकले थे, अभी हमें मेरठ के एक और राइडर है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है जिनका नाम है नितिन। हेलो नितिन। हाय, ये मेरे ब्रदर हैं। अभी ये मीटियोर 350 हमने परचेस किया लास्ट मंथ, अभी कुरुक्षेत्र में चाय पीने के लिए रुके हैं, बाकी जा रहे हैं हम बीर बीजिंग और देखते हैं कि कहाँ तक पहुँच सकते हैं। बाकी जो सोच रहे हैं हम अपना जो नाइट से होगा आज का वो खरर में होगा, और बाकी की जो ट्रैवलिंग होगी वो हम कल कंटिन्यू करेंगे आगे की, खरर टू बीर बीजिंग। तो कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉग को, मिलते हैं। तो करनाल के बाद एक और राइडर हमारे साथ ऐड हो गए हैं। आ रहे हैं ये राइडर्स। कहाँ पे हो? ना आगे रोका वो? ठीक है, ओके। सो दोस्तों काफ़ी टाइम बाद मैंने जो है अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करी है, बिकॉज मैं बिज़ी चल रहा था, थोड़ा ऑफिस का काम ज़्यादा था, इस चक्कर में मैं नहीं आ पाया, व्लॉगिंग नहीं कर पाया अपनी कंटिन्यू।
तो दोबारा से मैं अपने चैनल को जो है रीएक्टिवेट कर रहा हूँ, और कल निकले थे दादी से शाम को, और रात को हमने जो स्टे किया था वो मोहाली में किया था। बाकी अभी हम सुबह मोहाली से निकले और अभी नाश्ते के लिए रुके थे रोपड़ में एक ढाबे पे। एंड ये है हमारी तीन बाइक्स, अपाचे R1 310, मीटियोर 350, एंड मेरे पास तो R15 ही है। हेलो, तो ही इज माय ब्रदर, एल्डर ब्रदर, हाउ इज द जोश? हाय, सुपर हाय, सुपर हाय। तो राइडिंग में जोश सुपर हाय है इस बंदे का, और बाकी एक हमारे साथ मेरठ के राइडर भी है, उनसे भी जोश पूछ लेते हैं हम। बैग हमारे बंदे में वही क्लो बैग बंदा, वो वाइट है रखा, एंड इस पे भी बेस्ट रहता है ये। तो हमारे जो अपाची वाले भाई है वो भी आ रहे हैं, BMW हमारी। हाउ इज द जोश? या ऑसम, ऑसम, चलो बढ़िया है। जोश अच्छा रहेगा तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। बिल्कुल, और जहाँ जोश छोड़ दिया वहाँ राइडिंग छोड़ जाएगी हमारी। सही बात। चलो दोस्तों अभी बाइक स्टार्ट करते हैं। मैं अपना GoPro कैरी कर रहा हूँ, बट उसकी ना कैमरे की सेटिंग थोड़ी ख़राब हो रही है, तो वीडियो थोड़ी ना नीचे की तरफ फोकस हो रही है। जैसे हमारी लो बीम और हाई बीम होती है, वैसे लो बीम की तरफ जा रहा है वो हमारा जो GoPro है। बाकी माउंट मैं करता हूँ दोबारा एक बार उसे, फिर देखते हैं कैसी हमारी वीडियोस आती है। तो बाइक जो है तैयार है, यहाँ से रेडी एंड सेट टू गो। मैं भी बैठता हूँ अपनी बाइक पे और चलते हैं फिर अपनी मंजिल की ओर, आज की हमारी डेस्टिनेशन वीर बिजिंग, फाइनल डेस्टिनेशन। हिल्स चढ़ने वाले हम थोड़ी देर में, बाकी आगे कंटिन्यू करते हैं इस व्लॉग। तो अब हिल स्टार्ट हो चुके हैं, हम बढ़ रहे हैं हिल की तरफ। अभी हम ऊना क्रॉस किया और आगे वीर, अभी यहाँ से 120 किलोमीटर है, बाकी चल रहे हैं आगे की तरफ। राइडर्स, हाउ इज द जोश? चलो इनका जोश देखते हुए मेरे को और मोटिवेशन मिलती है, सच बताऊँ तो। बड़े भाई साथ में इतने जोशीले तो मोटिवेट हो जाता मतलब और राइड करने के लिए। ऐसा लग रहा है हमने छोटी राइड बनाई है, और बड़ी राइड बनानी चाहिए थी हमें। मुझे नहीं पता कौन से वे पे है, बट नेविगेशन में यही रास्ता दिखा रहा है, बहुत नैरो है, बट रास्ता जो है साफ है, सीनिक नहीं है, बिकॉज अभी तक तो दोनों साइड पेड़ पत्ते चल रहे हैं। क्या वादियाँ है दोस्तों, क्या वादियाँ है, इसलिए मुझे पेड़ बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती यार। जय बजरंग बली, सामने देखो हनुमान टेम्पल, जरूर बजरंग बली भगवान की। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या? हाँ अच्छा लग रहा है ना। हाँ वो क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? हिल्स में नाइट ड्राइविंग, राइडिंग बिल्कुल सेफ नहीं है, राइडिंग और ड्राइविंग, बिकॉज अगर आपकी गाड़ी कहीं भी खराब हुई तो आपको फिगर आउट करना है कि आपको पीछे जाना है या आगे जाना है, मतलब आप स्टक हो जाओगे या फिर ऐसी जगह कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। ये तो बाइक की लाइट है बस, उससे जो दिख रहा है, मतलब ये भी मैंने एक्सटर्नल लाइट लगा रखी है, मेरी बाइक की लाइट इतनी है, ये जो मैंने आगे आर्मन लैंप्स लगा रखे हैं वो ये है, साथ में इंडिकेटर भी ऑन कर रखे हैं। मतलब बीच बीच जब से हम चले हैं हिल्स, तब से ही छोटा रास्ता आ रहा, बहुत नैरो रास्ता आ रहा है, बीच में थोड़ा सा ब्रॉड आया बस, मेरे ख्याल से 8-10 किलोमीटर का। आगे चल रहा हूँ बिकॉज पीछे जो भाई चल रहा था वो मीटियोर लेके, उसकी ना हेडलाइट में कमी है, इतनी इफेक्टिव नहीं है, तो मैं आगे चल रहा हूँ इसी वजह से, बस बिकॉज हेडलाइट ठीक है मेरी बाइक की, बेटर है, ठीक तो नहीं कर रहा। R15 की हेडलाइट तो ये है, ये हाईवे में ये
प्रॉब्लम मारा। रास्ता देख सकते हो कितना ही सुनसान है। तो तभी मेरे भाई को बोला कि भाई पीछे हो जा, मैं आगे हो जाता हूँ, बिकॉज सैटेलाइट उसकी इतनी इफेक्टिव है। चलो अब सीधा मिलते हैं रूम पे जहाँ हम स्टे करेंगे। ये पल्सर किसकी खड़ी है इस टाइम पे रात को? सो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम बीर बिजिंग, मतलब बीर बिजिंग यहाँ से 20 किलोमीटर है, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है, कल हम पैराग्लाइडिंग करेंगे। सो दीज आर आर बाइक्स, फाइनली वी हैव राइड इट सेफली। एंड कहाँ कहाँ नहीं गया मैं इस पर, यहाँ भी पहुँचाया, दिल्ली भी सेफली वापसी आएंगे। हेलो दोस्तों, सो फाइनली आफ्टर लॉन्ग राइड हम पहुँच चुके हैं बीर। अभी हम जहाँ पे हमारा स्टे है काफ़ी अच्छा है, उसका नाम है जगह का लिटिल बीर, और मेरी भाई की R15 सक्सेसफुली फाइनली सेफली हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। बाकी के जो हमारे राइडर्स हैं वो ये खड़े, हम फ्रेशन अप हो चुके हैं। उस टाइम हिम्मत नहीं थी बाइक से सामान उतारा, अभी समझ सकते हैं बहुत टायरिंग था मैं। तो अब जो है फ्रेशन अप होके लग भी नहीं रहा कि आज राइड करिए, सही बताऊँ ये प्यार है बाइकिंग के लिए और हमेशा रहेगा। बाकी आज के ब्लॉग को हम यही ख़त्म करते हैं, कल हम पैराग्लाइडिंग करेंगे जो मैं कंटिन्यू करूँगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, लव यू फॉर सपोर्टिंग मी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।